अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मोहतरम नाजरीन, कल की क्लास में यानी लेसन नंबर 8 में हमने फेले माजी की चौथी किस्म पर बात की थी, फेले माजी इहतमाली पर। आज हम बात करेंगे फेले माजी की पांचवी किस्म पर। फेले माजी की पांचवी किस्म है फेले माजी तमन्नाई। फेले माजी तमन्नाई किस फेल को कहते हैं? फेले माजी तमन्नाई वो फेल है जिस फेल में गुजरे हुए जमाने में किसी काम की आरजू या तमन्ना को जाहिर करे। जो फेल गुजरे हुए जमाने में किसी काम की आरजू या तमन्ना को जाहिर करे उस फेल को फेले माजी तमन्नाई कहते हैं। जैसे उसकी मिसाल है लई तमा फाला। फाला के माने है ही डिड। लई तमा फाला विश ही डिड, काश वो किया होता, यानी गुजरे हुए टाइम में काश वो किया होता। ये फेले माजी तमन्नाई की तारीफ है। अब ये फेले माजी तमन्नाई बनता कैसे है, इसका तरीका क्या है? तो सेम पहले जो किस्में बनी थी फेले माजी मुतलक से, इसी तरीके से फेले माजी तमन्नाई भी फेले माजी मुतलक से बनेगा। क्या करना है? लय तमा का लफ्ज ऐड करना है फेले माजी मुतलक के शुरू में। अब फाला से हो जाएगा लय तमा फाला। बहुत ही आसान है बनाने का तरीका। इसकी भी फेले माजी तमन्नाई की भी वही चार किस्में है। फेले माजी तमन्नाई मुस्बत मारूफ, जैसे लई तमा फाला, काश वो क्या होता, विश ही डिड। दूसरी फेले माजी तमन्नाई मनफी मारूफ, लई तमा मा फाला, काश वो नहीं किया होता, विश ही डिड नॉट डू। तीसरी किस्म फेले माजी मुस्बत, फेले माजी तमन्नाई मुस्बत मजहूल, लई तमा फुइला, विश ही वॉज डन, काश वो किया गया होता। चौथी किस्म है फेले माजी तमन्नाई मनफी मजहूल, लई तमा मा फुइला, काश वो किया नहीं किया गया होता, विश ही वॉज नॉट डन। तो ये फेले माजी तमन्नाई की चार किस्में हैं। इसकी गर्दान सेम इससे पहले जो गर्दान है उसी जैसा है, सिर्फ क्या करना है हर सेगे के शुरू में लई तमा का लफ्ज ऐड कर देना है। लई तमा फाला, लैतमा फ़अलत, लैतमा फ़अला, लैतमा फ़अलत, लैतमा फ़अलू, लैतमा फ़अलना। ये गायब थर्ड पर्सन किसे के? हाजिर सेकंड पर्सन। लैतमा फ़अलत, लैतमा फ़अलती, लैतमा फ़अलतुमा, लैतमा फ़अलतुमा, लैतमा फ़अलतुम, लैतमा फ़अलतुन्ना। फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम, लैतमा फ़अलतु, लैतमा फ़अलना, इस तरीके से। तो फेले माजी की ये पहले किस्म की गर्दान थी। अब फेले माजी तमन्नाई मनफी मारूफ में क्या करना है? लैतमा के बाद मा ऐड कर देना है, सब में मा ऐड करके गर्दान कर देना, लई तमा मा फाला, लई तमा मा फालत। फिर मजहूल में क्या करना है? मा को खत्म करके फा पर पेश, ऐन के नीचे जेर, फुइला, लई तमा फुइला। फिर मनफी मजहूल में मा ऐड कर देना है, फिर लई तमा मा फुइला। इस तरह से बाकी के तीन किस्मों के आप गर्दान कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।